कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं अपना लगा दूँ फ़ोन चार्ज में, मेरा रूम बिखरा हुआ है। फिर उसके बाद मैं करूँगी तैयारी। आज है 9 तारीख, 9 फरवरी, और कल 10 को भाई भाभी का एनिवर्सरी, प्रिंसेस का, हमारे जो एंजल है उनका क्या होने वाला है, नेमिंग सेरेमनी, सब कुछ एक साथ, भाई का बर्थडे है ना। मैंने अभी तक कोई गिफ्ट्स वगैरह भी नहीं लिए हैं, बस वही चेन ही बस लिया था, उन दोनों के लिए नहीं कुछ लिए हैं, जा नहीं पाई। और जो है अब देखती हूँ, बाद में ही करूँगी, क्या करूँगी कैसे सब कुछ बताऊँगी मैं आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं ये नीचे मम्मी के पास ना ये पार्सल पड़े हुए थे, फिर ये से लेके आई, तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँ फटाफट से, जो धोने के कपड़े हैं वो डाल दूँ। और मैं इससे ज्यादा सूट नहीं कर सकती है ना, मौसी जी और बना रही मसाला वसाला डाल के सब कुछ बाकी डाल दिए हैं, गर्म मसाला भी डाले मौसी जी। आ गए ना हमारे बाबू साहब, हमारे बाबू साहब आ गए ना, आओ तो हमें आओ। मौसी दादी बाबू के लिए दाल बना रही हूँ। अभी आप लोग को जब कोई और कैमरा पकड़ेगा ना तो आप लोग को पूरा दिखाई दे देगा सूट। तो अब निकलते हैं, खोइसा वैसा लेते हैं, माथा टेकते हैं माता रानी को, फिर निकलते हैं। मेकअप बेसिल ऐड किया ना, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं मेट्रो से जाती हूँ, नहीं तो फंस जाऊँगी, मेट्रो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी यहाँ से ऑटो लूँगी, फिर मेट्रो, फिर ऑटो, ऐसे करके जाऊँगी, देखती हूँ कैसे कैसे करके जाती हूँ। मैं और बाबू जा रहे हैं, ठीक है, निकले निकले निकले। आप लोग एक्साइटेड हो वहाँ का ब्लॉग देखने के लिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने एक छोटा सा बैग बस ऐसे पैक किया है, ये इसमें मैंने रख लिए अपने और बाबू के कपड़े, एक साइड में मैंने अपने और उसके सैंडल जूते रख लिए, दूसरा दूसरा, और एक एक पहन के अभी निकलेंगे। फोन समझ के उठाई, आपका फोन उठा ली हूँ, क्या कर रहे थे आप? आपका वीडियो बनाना। अभी दादी के साथ मंदिर में चलना तो बना लेना। नहीं। हाँ। फरीदाबाद में चलो। देखो मेरा सूट अच्छा लग रहा है। हाँ। तो फरीदाबाद में चलेंगे ना, फरीदाबाद में चलेंगे जिस तो अंधेरा आ रहा होगा, रख दो नहीं हो। चलो ऊपर मंदिर में।
हाँ बाबू मामा। जाओ पहले बबली को बोल के आओ। उसे चप्पल नहीं मिला था हां ये पहन लेता नहीं है ना मेट्रो में जैसे चलने लेकिन गाड़ी बना रही है हां यही बात है फिर वो चालक पर लेकर के लेके बोला देखा तुमने हां अभी रुको बाबा से बात कुछ देखो नहीं तो गाड़ी नहीं है गाड़ी नहीं है ये ठीक है ना पढ़ाई नहीं करना है ना वहाँ पढ़ाई करना ठीक है वही कर लेना था कुछ दिया हमने कुछ दिया मौसी दादी को अपने पैर से नहीं नहीं आपको 10 रुपए चाहिए था वो 5000 में नहीं 500 है वो कितना है मौसी दादी के पैर से मौसी दादी का नहीं हाँ गाय घास निकालने से पहले मैं आप लोगों की ज़रूरी बात बता दूं जो कि आलतू फालतू बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि ये तो साल के 6 महीने मायके में ही ये लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं है जब ज़रूरत होता है तभी जाते हैं हम कभी कभी साल साल भर नहीं जाते हैं तो वो चीज़ शायद किसी को नहीं दिखता है बट हाँ वही है ना यूट्यूब पर जो जब दिखता है वैसे ही लोग बोलते हैं तो कोई बात नहीं आगे आप लोगों को देखने को फिर मिल ही जाएगा कि मैं कितनी जल्दी जा रही हूँ अभी ज़रूरी काम है इसलिए जा रही हूँ और आप ही लोग वो लोग हो जो लोग बोलते थे कि मायके क्यों नहीं जाते वहाँ रहते कि नहीं और अब ऐसे बोल रहे हो तो थोड़ा सा मतलब लग जाता है ऐसे बोलते हैं तो प्लीज़ बातें करते हो ना मम्मा से और आपने मम्मा को बोला ना मम्मा अकेले मत जाना मैं चलूंगा
नहीं दे रहा ठीक से। तो हम आ गए है ना धनु। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम मेट्रो से जाएंगे, इसलिए मैं इतना सिंपल रेडी हुई थी। फिर उसने डिसाइड, हाँ तो इसलिए दादी ने बोला कि गाड़ी से जाओ फिर मेट्रो पे पैदल चलना पड़ेगा, बच्चा कैसे चलेगा ऐसे बोला। हाँ अब हम इसी गाड़ी से चल लेंगे सीधे, ठीक है अब तो ठीक है डन। सुनो सुनो के गाइस। तो मैं अब ये पहुंच गई हूँ तो बल्लभगढ़ के पुल से नीचे ही, तो ये दूसरे रास्ते से भैया लेके आए थे, बिकॉज़ बल्लभगढ़ के पुल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है और ये सनसेट का भी टाइम हो गया, 6 बज गए, मतलब कि थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि पीछे वाले रास्ते से लेके आ रहे थे तो मुझे समझ नहीं आता। फिर हमने देखा मैंने, अच्छा हाँ अब पहुँच गए, फिर हम पहुँच गए। नानू को पैर छू लो, सो गए थे दोस्त के पास जाओगे। अदनु सुनो, मम्मी कहाँ है राज बाबू? आइए आपका इंतजार था। पीछे है क्या? धन्यवाद भाई, बंद कर दो। मम्मी बाबू और कुछ देख लिया, छोटा नहीं कहो ना, नहीं आज नहीं। तो गाइज मैं यहाँ घर पे पहुँच गई और मेरे पापा बहुत ही ज़रूरी काम में लगे हुए हैं जो कि कल का फंक्शन का है, मतलब बिजी हैं। और नानी यहाँ पर मुझसे देखो क्या शिकायत कर रही थी, हम जल्दी जल्दी में भागन की लेट हो जाते, लेट हो हम खुद याद नहीं हम नानी से मिल के ना गई। आज हर चाय बना कर रखी, क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि हाँ। आपने देखा नहीं था ना मुझे, इसलिए फटाफट आ गया मैं। हैं अच्छा, जल्दी जल्दी जा भाई, जा भाई को लाइट वाला कहां जाता है, लाइट चला गया चुन्नी में दिखाई नहीं दिया, प्रणाम किया कि ऐसे सूट सही सही कर लिया, नहीं झुकना है ना, सूट सही झुका लिया, अब ठीक है देखो अब ऐसे कर लूंगी तब ठीक है, अब देख अब ठीक है। अरे वाह, मतलब लेकिन प्रणाम कराना ही है,
अब दिख गया ना, नहीं दिख रहा था तो अब दिख जाएगा, है ना? ठीक हो? अब चलने में दिक्कत नहीं है? मैं भी नहीं आऊंगी ना मम्मी के पास, यहीं से देख लेती हूँ उसको, है ना मम्मी? बात नहीं तो थोड़ा सा बात आती है वो, अभी नहीं, अभी तो बहुत दिन तक होगा, वो 6 महीने साल भर तक। एक्चुअली कहते हैं ना, बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट बेबी के पास नहीं जाते हैं, तो पूजा निकल के आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, सोची थी दीदी मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है, निकल के मिलने आ गई थी और मैं नहीं गई छोटा बेबी के पास। अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी जब थोड़ा सा हाथ पैर धो लूँगी अच्छे से, तब दिख रहे हैं ये लोग सेल्फी में, है ना? दिख रहे हैं तुम लोग ऐसे दिख रहे हैं। तो ये मेरे सूट की बहुत तारीफ हो गई है, देखा था नानी, सूट तो नहीं मिला था, खूब बढ़िया तरह के देखी। अच्छा देखा है, हम और खींच ले लो वरना आ तारा खींच ले रही है यार। ये सूट पार्टी वियर लग रहा है ना, कहता था नानी के ऊपर के अच्छा लग रहा है। नानी देखो तो, अगर अच्छा लगेगा ना तो मान लेना दीदी, सूट पहनो नानी। ना देखो कितना सुंदर लग, कल नानी के सजाओ जी बहुत ही सुंदर से, खरगोश खानी दात बैठे हमारा के लोग पूछ रहे तार कौन सी खानी दात बैठे, हमारे चौखट खानी बैठे नानी खनिया बनी है बनल रहा आ गई, मिल नहीं पाई थी ना मैं नानी से, आई थी तो गई थी, तो सोच में कितनी जल्दी में गई थी। चलो कोई नहीं, मम्मी सुनो, मैंने मम्मी से बोला कि थोड़ा सा मुझे वो देना खोइछा का, है ना, ज्यादा दिन तो मुझे ढेर दिन खाते रह जानी, तो समोसे जी पिछले बार तनी से लेने में तनी से मार गई, एकदम तनी से तुम की मार तनी से ऐसा थोड़ी होता है। मैं ऐसी बोली शादी के टाइम पे मम्मी ने इतना सारा दिया था ना, अगले अपने मम्मी की दादी बना गए तो हम खाते रह गए रहनी खोइछा ले जाने वाला अपना सोचता ही रह जाएगा पैसा पर चला होता है तो पूरे ठीक है अपना मुंह के बाहर नानी इसमें दिख रही है ना, हमारे खींच ले लग आई देखा तो आपके लोग था बाहर बेली उनको पोते ना करो सुबह आ देखा उनको और भी क्या कर रहा है, आराम से पूजा आराम से को कर भी क्या कर रहा है ते हमरा भुला गेले दोबारा हमर गोर छू तिसरा बार छू एक बार हम लोग बड़ो लोग अब लोग बोरो प्लस दिख रहा है मेरा बोरो प्लस देखा भी नेवन बटन में कोन को माता हां चलो कर टाइम लाल लाल हां लाल लोग तो परवा ना सर से तो करो दोबारा करो ना मम्मी ना फिर से ये क्या करेगी, फिर से बंद करके फिर से इसको लोशन लगाओ फिर से पैर दबा, रिपीट करना पड़ेगा इसका, क्या जा रहा है इसका तो मजा ही है। वीडियो में देख ली नू नानी तारा नानी के तो कह तर क्या आय बहु दी हम बानी तो मैं हां मैं तू हूं आ तो के हो हम कहू तो नानी होई आ तो हर जीत के नानी हमरे करी हां अम्मा तू भर दे तो हमरे करी की सुबह बा कह तर सामान सब कपड़ा सही
ये जानते ला मारा लोड़िया ही हो जाला चलो कोई नहीं प्रॉब्लम ठीक है जो तार पैसा दे हां पैसा ना सही ना मांग लो पैसा पर ब्याह करा नहीं करे एकदम ना एकदम सब कुछ लेके ये खाली और हो जाएगी ब्याह कराओ सारा सारा कर्जा जाके अपने सास को दवाई है ना ओके गाइस तो धनु खेलने में लग गए और जब मैं बेबी से मिलने गई अष्टमी स्लोमो में आरती से गलती से वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसको मैंने थोड़ा सा फास्ट किया बट कोई फ़ायदा नहीं एंड मैंने बेबी को प्यार किया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कल का तुरंत ब्लॉग आप लोगों को मिल जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।